हेलो दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। आज हम 17 जनवरी 2023 को हुए सुबह 11:45 से 12:45 के बैच में हिंदी विषय में फिर से अपनी एक क्लास लेके आए हैं। चलिए आइए अध्ययन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि घोड़े पर सवार होना, ये एक मुहावरा है, घोड़े पर सवार होना, तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या है? पानी के घोड़े पर सवार होना, पानी के घोड़े पर सवार होना गलत है, तेजी के घोड़े पर सवार होना ये भी गलत है, हवा के घोड़े पर सवार होना ये सही है, ठीक है ना, और बातों के भी गलत होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थ्री इसमें सही होगा कि हवा के घोड़े पर सवार होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें क्या है? बेफिजूल की बातें, ये जो है वो अशुद्ध भाग है। क्या है? अशुद्ध भाग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बेफिजूल की बातें, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो स्टेटमेंट है या सब वाक्य है वो आपका इसमें सही है, बेफिजूल की बातें। क्वेश्चन नंबर टू में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही है। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था, घोर अंधेरा, ठीक है ना। इस वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द, तो घोर का समानार्थी क्या होगा? गहरा होगा। क्या होगा? चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया हुआ था, घनिष्ठ नहीं होगा, घमासान नहीं होगा और भयंकर भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, घोर का समानार्थी क्या हो जाएगा? गहरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको ये नहीं पढ़ना है। क्या होता है, हम एग्जाम हॉल में बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम जल्दबाजी में है या नहीं है ये पढ़ना अच्छे से भूल जाते हैं और वहीं पे हम गलतियां कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है, यह कौन सी भाषा है, इस थैले में क्या है, क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है, किसका? प्रश्नवाचक का नहीं है, ठीक है। तो यह कौन सी भाषा है, यह है, इस थैले में क्या है, यह भी है, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है, ये भी है, ठीक है ना। लेकिन यह क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद, याद रखिएगा जल के जितने भी हैं, जैसे पय होता है जल का, अब पय को धारण करने वाला, पय को देने वाला, तो क्या हो जाएगा? पयोद, पय को देने वाला क्या हो जाएगा? पयोद, ठीक है ना, जो दे जल को, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, जल को धारण करने वाला, तो जल को धारण कौन करता है? जलधर, मेघ, बादल, ठीक है ना, पयोद, ठीक है, पयोद। तो जितने भी जल के मिलेंगे, जलद, पयोद, ये सभी द मतलब देने वाले, और जो जल को धारण करे वो कौन होंगे? समुद्र, ठीक है ना, तो वो जलधि, पयोधि हो जाते हैं। तो जल से आप बादल के भी, समुद्र के भी और कमल के भी, इनके पर्यायवाची तुरंत बना सकते हैं। जब पर्यायवाची की क्लास लगेगी तब इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पयोद का पर्यायवाची शब्द होगा जलधर, ठीक है। नेक्स्ट है, आंखों में माला घिर आना, कौन से माला घिर आना? मोती माला नहीं, पुष्प माला नहीं, फूल माला नहीं। तो आंखों में नहीं कहते, बहुत सारे आंसू अगर भर गए तो आंखों में मेघ माला घिर आना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री, मेघ माला घिर आना, आंखों में मेघ माला घिर आना, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी है, सुरसरी भी है, सुरसरी है, त्रिपथगा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक है इसलिए आंसर नहीं होगा, भागीरथी है ही, सुरसरी भी है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? त्रिपथगा और सूरेजा, ये दोनों जो हैं ये गंगा के पर्यायवाची नहीं है। त्रिपथगा और सूरेजा जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची है। त्रिपथगा और त्रिपथगामिनी या त्रिपथगा और सूरेजा जो है वो किसको कहा जाता है? यमुना को। कालिंदी किसको कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है, ठीक है, तो ये यमुना के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन,
नमन का आरोग्य अच्छा है, नमन का आरोग्य। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है, किस वाक्य में नहीं किया गया है, ये याद रखना है, किस वाक्य में नहीं किया गया है। आरोग्य का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, तो आरोग्य का समानार्थी होता है तंदुरुस्त, ये होता है। स्वास्थ्य अच्छा है, आरोग्य का मतलब ही होता है, आरोग्य मतलब बिना रोग का, तो बिना रोग का आदमी कैसा होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये सेहत अच्छी है, तो ये भी उसी का हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, नमन अस्वस्थ है, क्या हो जाएगा, नमन अस्वस्थ है, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नमन अस्वस्थ है, इसमें इसका समानार्थी प्रयुक्त नहीं किया गया है, इसका विलोम शब्द प्रयुक्त किया गया है। स्वस्थ का या आरोग्य का विलोम क्या होगा, अस्वस्थ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए में क्या आता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है, 10 रुपया में क्या आता है, तो इसमें रुपया शब्द जो है यहां पे क्या आएगा, रुपए आएगा, क्या आएगा, रुपये, ठीक है, 10 रुपये में क्या आता है, तो ये शब्द यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है, 10 रुपये में क्या आता है। अगला, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, ये, यह, वो, वह, ठीक है, ये सभी क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है, ये, यह, वो, वह, ये सभी संकेतवाचक है, तो उनमें से कहां पे नहीं है, ये मेरी पुस्तक है, यह मेरी, वह, तो ये सभी क्या है, संकेतवाचक है। नदी में पानी नहीं है, ये संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नदी में पानी नहीं है, ये संकेतवाचक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, बच्चों को काट कर आम खिलाओ, ये शब्द आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये गलत है, बच्चों को काट कर, बच्चों को नहीं काटना है, किसको काटना है, आम को, तो पहले क्या आ जाएगा, बच्चों को आम काट कर खिलाओ, तो ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को आम काट कर खिलाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, सीमा को 5 बहने हैं, गलत, सीमा बहने हैं 5, ये भी गलत है, बहने 5 है सीमा, ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमा की 5 बहने हैं, क्या हो जाएगा, सीमा की 5 बहने हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो रविवार दिन ही है, रविवार क्या है, दिन है, ठीक है ना, तो के की जगह क्या आएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तो ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे योजक चिन्ह क्या आ जाएगा, मैं रविवार को, ठीक है ना, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे के दिन हटके क्या आ जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है। चलिए अगला है, जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इतिहास से संबंध, खगोल से संबंध वाला खगोलिक कहलाएगा, इतिहासकार जो इतिहास का अध्ययन करता है, ठीक है ना, इतिहास का अध्ययन करता है उसके लिए एक शब्द होता है इतिहासकार, ठीक है, तो ये शब्द नहीं होगा। भौगोलिक मतलब जो भूगोल का अध्ययन करेगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक चीजें वे हैं जो इतिहास से संबंध रखती हैं, ठीक है ना, इसमें क्या पूछा गया था, इतिहास से संबंध रखता है, तो इतिहास से संबंध कौन रखता है, ऐतिहासिक, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, गलत है, पढ़ने समझ में आ रहा है, इस काम को देर होना स्वाभाविक था, ये भी गलत है, इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, ये भी गलत है, इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी, ये सही है, तो इसका 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, ये गद्यांश आता है हर बार, इस गद्यांश को अपन पढ़ते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के क्या होगा,
प्रयोग को, विग्रह को, लाभ को या संग्रह को? तो आंसर क्या हो जाएगा? संग्रह को। कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। अगला, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान, कौन सा? आंतरिक गुण। कौन सा? महान आंतरिक गुण। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आंतरिक हो जाएगा। आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, ठीक है ना? संग्रह यहां पे आएगा पहले वाले में, बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में, तो इसका क्या हो जाएगा? मनुष्य में अनिवार्य रूप से, क्या हो जाएगा? अनिवार्य रूप से, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या आ जाएगा? अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। क्या हो जाएगा यहां पे? बहुत बुरा आचरण है। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा किसके बंधन में बांधा है? संयम के बंधन में। हम अपने किस में बांधते हैं इनको? संयम के बंधन में बांधते हैं। तो संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया है। तो यहां तक ये आपके 20 क्वेश्चन हैं जो आपको आज करवाए गए हैं। आगे की क्लास में फिर से यही सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना? जो अगला सेट होगा आप के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आगामी कुछ दिनों में 25 या 26 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक पूरा एसएससी जीडी का बैच जो हम लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई और भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप उन्हें हमारा इस चैनल को, कैरियर मेकर्स ना के चैनल को अधिक से अधिक उनके साथ शेयर करिए। आप स्वयं इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद प्रिय साथियों।